नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हम बड़ी वणक्कम। आप सभी को ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। हमारा जो लास्ट शो था क्राउन काउंसिल पे, वो लोगों को बहुत पसंद आया। आखिर क्राउन काउंसिल है कौन जो डीप स्टेट को कंट्रोल करती है, मतलब उनके ऊपर भी चढ़कर बैठे हुए। तो हम वहीं से शुरू करेंगे सर। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू। राम राम, जय भारती। यस, ये मैं भी समझाऊंगा कि कई चैनल्स में भी कई जगह ये शब्द यूज होता है। मैंने पहले स्टार्ट किया था ये किस्सा डीप स्टेट, तो समझाने की कोशिश करूंगा सारे जो देख रहे हैं और ऑडियंस हैं कि ये है क्या चीज। इसके ऊपर एक अमेरिकन ऑथर था, जॉन कोलमन, उसने एक किताब लिखी थी, कमिटी ऑफ 300, ये अराउंड नाइन लेट 91 अर्ली 92, और उसको CIA ने दबा दिया। और ये 21st सेंचुरी के अराउंड 2011-12 में ये किताब अवेलेबल हुआ। उसी से निकाल के समझ के आपको समझा रहा हूं कि ये है क्या चीज। तो इसके लिए हमको थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाना, तकरीबन 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, तकरीबन पूरा ग्लोब कॉलोनाइज हो चुका था यूरोपियंस। सबसे बड़ा पावर ब्रिटेन था, ठीक है, लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। जैसे लैटिन अमेरिका क्यों बोलते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लैटिन वहां पे बोला जाता, ना। सेंट्रल अमेरिका एंड एंटायर साउथ अमेरिका एक्सेप्ट ब्राजील स्पेन का कॉलोनी, ब्राजील पोर्चुगल का कॉलोनी था। फिलीपींस में लोग देखते हैं इतने सारे क्रिश्चियंस क्यों हैं, लोकल्स का क्या हुआ। फिलीपींस 19वीं सदी तक स्पेन का कॉलोनी था। 1894 में जब ये मंड्रो डॉक्ट्रिन वगैरह सब शुरू हुआ और पुश हुआ अमेरिकन्स का कि फिर अटलांटिक और वो तुम देखो पैसिफिक मेरा है, उन्होंने अटैक करके स्पेन को हरा के वो कॉन्कर किया था, और वो अमेरिकन कॉलोनी था। रिमेंबर दैट, फिलीपींस वॉज अ कॉलोनी ऑफ अमेरिका। अभी भी बेस बनाने जाता है, जापान को कॉन्कर कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो जाता है, बाकी किसी देश में बेस बनाने नहीं जाता, फिलीपींस में जाता है, क्योंकि फिलीपींस उसका पुराना कॉलोनी है। हवाई पे कब्जा किया है, गुआम पे कब्जा किया है, ये सब उनके कॉलोनीज है। तो ये कॉलोनीज को लूटते थे, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को जाता था, बाकी सारा पैसा इन खानदानी रईसों के पास जाए। इसमें कुछ एक खानदानी बैंकर्स भी है, आगे चल के नाम भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये चलता रहा, लेकिन जब ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन रजवाड़ों को पता लगा कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब डेमोक्रेसी पुश सारा कुछ आ रहा है, अगर डेमोक्रेसी और ये सब होने लगा तो हमारे पैसे का क्या होगा। और ये तूर पकड़ने लगा, उन्होंने देखा अमेरिका अब का दबदबा है पूरा, और अमेरिका यूएन को कंट्रोल कर रहा है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, जिसको हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन ब्रेटन वुड्स करके एक जगह है US में, वहां पे बना था, वो कंट्रोल करता है। और अब कॉलोनीज टूट रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो पहले भी इनके बंदे थे जो आपस में लड़ते थे, फिर इन्होंने डिसाइड किया यार आपस में लड़ने से क्या फायदा, साथ होते हैं, एंड दैट इज द क्राउन काउंसिल, दैट्स व्हाई द वर्ड क्राउन। ये पुराने रजवाड़े हैं यूरोप वाले। कौन कौन है? सबसे पहले ऑब्वियस तो यू अपने इंग्लैंड का ब्रिटेन। रॉयल फैमिली है, वो तो है ही है। पीपल विल बी सरप्राइज्ड, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस ग्रुप में है द वैटिकन,
पोप वैटिकन, और बैंकर का नाम बोला था रॉथस्चिल्ड बैंकर. ही हैज बीन द बैंकर ऑफ द रॉयल्टी फॉर यूरोप फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. अभी तो नंबर ऑफ जेनरेशंस, अभी तो अलग अलग हिस्सों में बट गया है खानदानी, बट स्टिल ओवरऑल अभी भी वो रॉयल्टी को उनका बैंकर है. वैलनबर्ग, वेल्डन, क्विनॉट, रेमनेंट, डच, बेल्जियन एंड स्पेनिश सारे रॉयल फैमिली हैं. अब यूएस को लाना था, यूएस में फिर खानदानी लोग जो पैसे कमाए हैं, ये सारे लूट के पैसे हैं, खुल के मैं बता रहा हूं, ये यूएस वाले ने जो भी कमाए हैं सारे लूट के पैसे कमाए, ये इसमें इनका बैंकर सबसे बड़ा बैंक रॉकफेलर ये हिस्सा बना. फिर इनके सारे जो खानदानी रईस हैं जिनके पास काफी पैसा इन्होंने बनाया था, और अभी हर जो भी आपके गवर्नेंस या ग्लोबल अफेयर्स में रहते हैं, आपके फर्टिलाइजर्स, आपके फार्मास्यूटिकल्स, कार मेकिंग, मीडिया, एग्रीकल्चर, शिपिंग, यानी हर फील्ड में इन्होंने अपने पैसे डाल रखे हैं, और वो है ड्यूपॉन्ट, कारगिल मेलेनो, प्रिट्सकजर, कार्नेगी मेलन, आई होप द नेम रिंग्स अ बेल, कार्नेगी मेलन. इसमें लेफ्ट वाले रॉयल्स में मैंने छोड़ दिया था नोबेल, स्वीडिश रॉयल फैमिली जहां से वो आपका नहीं स्वीडिश नॉर्वेजियन जहां से नोबेल प्राइज आता नॉर्वेजियन. ठीक है, तो इस तरह से वॉल्टन, सैकलर, ये रॉकफेलर लोग सोचते हैं कि वो बैंकर ही था ना. ही हैड अ मोनोपोली ऑन ऑयल, स्टैंडर्ड ऑयल था रॉकफेलर का, वर्चुअल मोनोपोली. 30s में फिर इसको गवर्नमेंट ने पास करके एंटी मोनोपोलीज एक्ट पास किया, तो इसमें अलग अलग कंपनियां बना दी, लेकिन कंट्रोल इसका, नाम अलग अलग है, एक्सन मोबिल, इस तरह से इसने कंपनियों को नाम दिया, बर्माशेल, ये सब जो डच बर्माशेल है सब इसके पैसे. ठीक है, तो ये है, इन्होंने देखा कि भाई पैसे तो हैं हमारे पास, अब हम कैसे, अब ग्लोबली अलग अलग हिस्से में ग्लोबली तो ये कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि आप देख लो एशिया में, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तकरीबन पूरा का पूरा एक्सक्लूडिंग इंडोनेशिया, इंडो चाइना, पूरा का पूरा तो ब्रिटेन के हाथ में था, मिडल ईस्ट पूरा ब्रिटेन के हाथ में था. ओके, और उसका पैसेज उनको चाहिए था थ्रू द मेडिटेरेनियन फ्रॉम द इंग्लिश कोस्ट, एंड दैट इज व्हाई द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बाय द वे अभी तक उनके कंट्रोल में है, क्योंकि दे कंट्रोल द पैसेज इनटू मेडिटेरेनियन. ठीक है, नॉर्थ, उसके बाद अराउंड 1880s में था, दे हैड अ कांग्रेस ऑफ वियना वेयर ऑल दीज किंगडम्स डिवाइडेड अफ्रीका अमंग्स देमसेल्व्स. अफ्रीका में आप देखो अलग अलग देशों का दबदबा रहा है अलग अलग हिस्सों में, लाइक वेस्टर्न एशिया वॉज मोस्टली, वेस्टर्न अफ्रीका वॉज मोस्टली अंडर फ्रांस. ओके, तो अब जब ये सब टूट गया है तो ये कैसे अपना पैसा बनाते रहेंगे, तब ये बना, इसके नीचे लेके आए एक कमिटी जो इनके एक्सपर्ट्स वहां पे बैठे हैं, इनके बंदे बैठे हैं, और उसमें सबसे पहले बैठा होता है सिटी ऑफ लंदन का मेयर. बाय द वे, सिटी ऑफ लंदन कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके, इट्स कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द रॉयल फैमिली. द मेयर इज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. कभी भी आप इनका ब्रिटिश पार्लियामेंट का जब लाइव आता है, स्पीकर के पीछे राइट साइड में देखना, एक बंदा बैठा होता है, वो मेयर ऑफ लंदन का बंदा है, वो डिसाइड करता है बिल क्या आएगा टेबल पे, स्पीकर नहीं डिसाइड करता, वो डिसाइड करता है कि बिल कौन सा किसके ऊपर डिस्कशन होना है.
City of London is not part of the Parliament. City of London is controlled by the royal family of UK. And recently, it is the Pakistani who heads it. No. हाँ, पाकिस्तानी था. साजिद, क्या नाम है? साजिद मीर. साजिद हुसैन या साजिद मीर सर. ठीक है. UN, US के जितने भी इंट एजेंसीज हैं, वो सारे वहां पे हैं. इनके MI6 भी बैठता है. एक है चैटम हाउस, वो बैठता है. उसको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ऐसा कुछ नाम दे रखा है उसमें. नथिंग एल्स. हम सब जानते हैं उसको चैटम हाउस. यूके का एक और है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज I2S2, वो भी यहाँ पे है. ठीक है. एक बिल्डबर्ग करके है और एक इनका टैविस्टॉक. टैविस्टॉक इज एडवाइजिंग ऑन साइकोलॉजी, रिस्क, किस तरह से नैरेटिव को मैनेज करना, ब्रेन आदमी का कैसे चलता है, किसको कौन सा नैरेटिव बताना है, ये टैविस्टॉक और बिल्डेबर्ग का काम है. इनके बाकी एक्सपर्ट्स हैं उनके जो बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करना, रिसोर्स कंट्रोल कैसे करना, रिस्क असेसमेंट का. रिस्क असेसमेंट किस लिए, कहाँ पे रेजिम चेंज करना कि इसके पॉलिसी मेरे पैसे टूटेंगे तो रेजिम चेंज कहाँ से करना. ठीक है. बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारे को ये कंट्रोल करते हैं चुपचाप से पीछे से बैठ के, और ये पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए. जैसे रिसोर्स कंट्रोल का आपको एक बात बता, कई साल पहले, एक दो दशक पहले अपना लक्ष्मी मित्तल वॉज ट्राइंग टू बाय द फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच स्टील कंपनी आर्सेलर. कितना शोर शराबा हुआ था पूरे वहां पे यूरोप में अगेंस्ट. फाइनली उसने लिया, वो बात अलग है. लेकिन जब भी चीन इनके कंपनियां वगैरह टेक ओवर कर रहा था, कभी कोई आवाज उठी? कोई नहीं. वेदांता का ऑस्ट्रेलिया में पिछले एक डेढ़ दशक में जब भी माइनिंग वगैरह के लिए जाता था, कितना शोर शराबा होता था. एंड वर्चुअली बल्क ऑफ द माइनिंग कंपनीज आर The Chinese company have controlling stake in Australia. ऐसा क्यों? और आज वही आप देखो चीन के अगेंस्ट हो हल्ला हो रहा है, यूएन तक में हो हल्ला हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो रहा है. ऐसे ह्यूमन राइट्स पहले था ही नहीं, अभी शुरू हुआ. नहीं, ये पॉलिसी के साथ कंट्रोल कर रहे थे नैरेटिव, और एग्जीक्यूट करने के लिए इनके नीचे होता है एक राउंड टेबल. ठीक है. तो ये रजवाड़े हैं, तो यहाँ पे इनकी पार्लियामेंट है जो कमिटी ऑफ 300 बोलते हैं, वो अब 300 है कितने हैं पता नहीं. और अब आपके जैसे हम बोलते हैं अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो इनके राउंड टेबल, जिसमें वो कौन कौन है, सारे थिंक टैंक्स, सारे इनके जितने भी थिंक टैंक्स हैं वो इनके अंदर हैं. जितने ये बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट सीक्रेट, उनके बॉसेस यहाँ बैठे हैं. जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स, ऐसे सारे जो इनको फंड करते हैं वो सारे यहाँ, उनको इनके फंड, इनके नैरेटिव को मैनेज करते हैं, उसके लिए पैसा मिलता है इनको. एवं नहीं बना माइक्रोसॉफ्ट. अगर लोग सोच रहे हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट बैठ गया और उसने माइक्रोसॉफ्ट बना दी और विंडोज इतना चल गया, पैसे इनके थे, इन्होंने फैलाया, हाथ बढ़ाया. नहीं तो वो जो गैरेज में कर रहा था, गैरेज में ही बैठा रहता, क्योंकि उस वक्त निकल के आया था कि नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड एंड कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे कंट्रोल द हॉलीवुड. हॉलीवुड पूरा ये कंट्रोल करते. ठीक है. और जितने हाईटेक आते हैं, जो भी इमर्जिंग इवॉल्विंग, बिकॉज ये विंडोज एंड ऑल दिस वर हाईटेक, एप्पल, ये सारे हाईटेक है, उस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थे 80s में, ये सारा ये कंट्रोल करते हैं, अपने पास कंट्रोल करते हैं.
ये डिसाइड करते हैं किसको जा सकता है किसको नहीं जा सकता। और फिर हो जाता है इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं, रिसोर्स कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड अदर्स कम इन अ बिग वे एंड योर बायोटेक लैब्स आल्सो कम इन अ बिग वे। एवी भी हम तो कितने, मेरे 66 साल हो गए जीते जीते, इन्हें 80 के दशक के बाद ही मैंने सुनना शुरू किया कि ऐसे पैंडेमिक हो रहे हैं, एपिडेमिक हो रहे हैं। उसके पहले भी जीते थे यार, मलेरिया सबसे ज्यादा होता था, दैट्स अबाउट ऑल यार। मलेरिया, पोलियो, लेप्रेसी, कॉलेरा, इसी के बारे में बात होती थी। तो ये नए नए नस्ल के कहां से आए? अब बोलते हैं एबोला वायरस वो मंकी से आया था, मंकी तो कितने सालों से थे यार, तब क्यों नहीं आया, अब क्यों आया? पॉपुलेशन कंट्रोल। बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, बाद में काफी मना कर रहा है, नहीं नहीं स्टेटमेंट ट्विस्ट कर दिया था, बट दैट वीडियो इज देयर, बिफोर इट वेंट आउट आई वाज एबल टू सी इट। उसमें क्लियरली कहा है कि संसार के रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन 7 ट्रिलियन हो गया और बढ़ता जा रहा है, 7 बिलियन हो गया बढ़ता जा रहा है, धरती इतने ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट करना है। जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं डेवलपमेंट के लिए उनको जीने का कोई हक नहीं है। कैन यू बिलीव इट, दिस इज द स्टेटमेंट दैट बिल गेट्स, और उस बिल गेट्स फाउंटेन के लिए हम सारे लाला लाला करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। भारत में तो मत करो, हिंदुस्तान और इंडिया में तो होगा उसका लाला लाला, भारत तो मत करो। ये है उसका बैकग्राउंड, ये है उसकी सोच। कोविड आने से पहले Pfizer was already working on a vaccine for COVID. पता कैसे लगा उनको COVID हो रहा है? तो ये population control measures, यही लोग की दिमाग है पीछे, जो colony करते थे उनकी सोच नहीं बदली। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है कि हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, बस ठीक है। और तो इसीलिए जो rest of the ग्लोबल साउथ है, इंक्लूडिंग द पुअर, आई वुड से द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल इन देयर ओन कंट्रीज, दे आर द स्लेव्स। वो जिएंगे, काम करेंगे, मरेंगे, दैट्स इट। उनकी कोई तरक्की होगी नहीं, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, दैट्स अबाउट ऑल। ये है इनकी सोच, और उसमें अराउंड 70s को इन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स हैव अ लिबरल वर्ल्ड एंड द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। तो वो एक्सट्रीम लेफ्टिज्म में गया एंड दैट वाज व्हाट वी कॉल टुडे एज वोकिज्म। उसमें दो लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया, ए चाइना, बी द एक्सट्रीम इस्लामिस्ट्स। ये इनके सोल्जर्स थे कि कहीं किसी को ओवरथ्रो करना है, कहीं किसी को ओवरथ्रो करना है, कुछ करना है, चीन को बढ़ाना है तो चीन ये इलाका हमारे लिए काम करेगा, पैसे बहुत बन रहे थे उनके, पूरा कंसेशन दिया था चाइना ने। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, iPhone 10 तब निकला था 7-8 साल पहले, लैंडेड कॉस्ट इन इंडिया एट दैट टाइम इट वॉज सेलिंग, लैंडेड कॉस्ट हो, सेलिंग प्राइस i10 Pro ऐसी कुछ था, 1,40,000 का बिक रहा, नॉर्मल वाला 1,10,000। द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ मेकिंग इट इन चाइना वॉज इन इंडियन करेंसी 37,000, including transportation cost and everything, should have been around 50,000 selling price, 60 laga lo, 1,10,000 or 1,40,000. Imagine the profits that they were making and why China was such a good guy and why you are not. They, agar aap keh rahe ho ki China developed hua tha,
बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाला है, हेल्प किया है वहां पे लगाने के लिए, ट्रेन करने के लिए हजारों बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स चीनी स्टूडेंट्स को बुलाया था स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वहां पे जाके मैन्युफैक्चरिंग कर सके। हेल्प किया था पूरा ग्रिड एस्टैब्लिश कर, लेकिन क्या हुआ, शी जिनपिंग आ गए, अब वो गुंडागर्दी पे उतर आया। अब वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसके कहने पे चले, रजवाड़े पसंद करेंगे। तो पहला तमाचा पड़ा था डेमोक्रेट्स को जब ट्रंप आया। हिलरी क्लिंटन तो हिल, वो तो वोक ब्रिगेड की क्वीन है, हिलरी क्लिंटन हिल गई थी। ट्रंप आया और उसने जूते मारे चाइना, बट ट्रंप उनकी बात सुनता नहीं था, उसको भी हिलाना था मेरा अंदाजा है। तो अगला इलेक्शन वो हारा और इसको लेके आए बाइडन को। ओबामा भी हिला हुआ था, वो सोच रहा था कि मैं व्हाइट हाउस को कंट्रोल करूं। एक डेढ़ साल चला होगा, बट मेरे को लगता है रजवाड़ों ने बोला होगा ये आउट ऑफ व्हाइट हाउस, वो आउट ऑफ व्हाइट हाउस। गारसेट्टी जो हार्ड लाइन एंटी इंडिया एंटी भारत और टोटल वोक था, यहां आके तो भारत 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 भारत। दो साल उसका अपॉइंटमेंट रोक के रखा था, ये डीप स्टेट ने ही रोक के रखा था, क्योंकि ये चीन से नाराज हो गए थे, क्योंकि वो सिस्टम बदल रहा था। सिस्टम बदल गया तो उनकी पकड़ खत्म हो जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कोविड हैपेंड। व्हाई डिड यू से बेस्ट पार्ट? क्योंकि उनको मदद कर लिया ना, कोविड हो गया। सी अब आप देख लो 50-60 साल इनकी सिस्टम चली है, तो जो नीचे जो राउंड टेबल है इस इनके वोक सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन्होंने पूरा अपना इकोसिस्टम और इको चेंबर एस्टैब्लिश कर दिया है। अब सडनली आप बंद कर सकते हो उसको, तो ये तो सब सड़क पे आ जाएंगे। अब जॉर्ज सोरोस के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, इसलिए उसने तो पूरे यूरोप और पता नहीं कहां कहां से 40-50% अपने वर्कर्स को तो ले ऑफ कर दिया, पैसे नहीं है। अब जो पैसे मिले थे कहीं इन्वेस्ट किया था, बस उसी के इंटरेस्ट से इसको चलेगा। अब इन लोगों के पास पैसे के वांदे लग रहे हैं। अब कहीं आपको बिल गेट्स का कोई स्टेटमेंट सुनाई देता है? नहीं तो अभी तो क्या चपड़ चपड़ बोलता था, वो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी आके बोलता था, अभी बोल रहा है कुछ? वो भी डरा हुआ है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो इनका था ना एप्स्टीन का भी इसके ऊपर है कि ये भी वहां जाता था। वहां तो बड़े बड़े ज्यादा बोलेगा तो वो बम फोड़ देंगे इसके ऊपर। अब वो देख रहे हैं कि भारत, हमने भारत को तो मदद की नहीं थी, ये वोक वगैरह सबसे हम सब कुछ करना चाहते थे, कुछ हुआ नहीं, भारत फिर भी राइज कर रहा। और आज की तारीख में सारे बोल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन भारत। तो आई टच ऑन दैट कि भारत के साथ क्या, बट वो रेजिम चेंज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट बॉस्टन में। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का पॉलिटिक्स के साथ दूर का कोई रिश्ता नहीं है, वो तो फिजिक्स रिलेटिविटी वो सबका था। एंड द बेस्ट पार्ट इज इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला किसी चीज के लिए। ओके, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे अभी उनकी सारी सब कुछ डिपेंडेंट चल रहा है, लेकिन उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। ए दी वेबसाइट इज aeinstein.org। 1980s लेट 70s की अर्ली 80s में बनाया, ये इन्होंने ही बनाया है, ये राउंड टेबल के वाले चिमित जॉर्ज सोरोस वगैरह ने बनाया है। इट टीचेस 192 मेथड्स टू ओवरथ्रो एन इलेक्टेड और एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन वायलेंट मीन्स।
यू कैन डाउनलोड अ लॉट ऑफ देम, इफ यू रीच आउट टू देम दे विल सेंड यू द होल पैम्फलेट. मैंने तो जब ताजिकिस्तान में था पता लगा मेरे को, गया वेबसाइट में सारा कुछ मंगाया. आई हैव गिफ्ट टू सेट्स, वन आई हैव गिफ्टेड टू एमईए, द अदर आई हैव गिफ्टेड टू आवर कैब सेट कि पढ़ो भाई ये है. बिल्कुल सही. और इसके अंदर जब आप पढ़ोगे हैरान रह जाओगे, हाउ टू ऑर्गेनाइज कलर रेवोल्यूशन. तो एक्चुअल लोग 5-10% होंगे, लेकिन बाकियों को पैसे देके वही कलर लगा दो, जैसे येलो कलर या कुछ कलर दे दो, वो सारे वो पहन के निकल आ गए. और प्रेस वाले बोलेंगे इन्हीं के कंट्रोल मीडिया, देखो मिलियंस आ गए इसके अगेंस्ट. मिलियंस नहीं आए थे, आपने उनको पर डे रहने के लिए जगह दे दी, खाना पीना सब बंदोबस्त कर दिया, वो पुअर तो आ गया. उसको बोला यार ये कलर का जैकेट पहन लो, दैट इज कलर रेवोल्यूशन. सो यू सी व्हाट हैपेंड इन यूक्रेन एंड अदर प्लेसेस. इट इज दिस, यू कंट्रोल द नैरेटिव लाइक बिल्डेबर्ग एंड दो सच लाइक विच आर देयर, टैविस्टॉक, बिल्डेबर्ग, ये साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं. क्या काम करते हैं, क्या चीज को किस तरह से नैरेटिव को स्पिन करना ताकि किस तरह के लोगों को वो इम्पैक्ट करेगा और कैसे इम्पैक्ट करेगा, और उसका फीडबैक लेते रहते हैं. क्योंकि फुट सोल्जर्स तो सब तरफ है, पैसे के लिए तो कोई भी काम कर रहे. आप देख ही रहे हो किस तरह से वायर चलता है वर्दा राजे में. हिंदू पैसे दे दो उनको, वो तो कुछ भी करने को तैयार है. ठीक है, तो अब चीन के अगेंस्ट हो गए, कोविड आ गया, 3 साल उसने जीरो कोविड कर दिया, तो उनकी डिपेंडेंसी काफी पूरी नहीं निकली बट निकल गई. अब पूरा FDI वहां से निकाल दिया उन्होंने, और इनके दो बिगेस्ट कंपनीज जो हेज फंड्स के हैं, ब्लैक रॉक एंड क्या वैंडरबर्ग, दे आर लुकिंग फॉर प्लेस एंड दे आई थिंक दे हैव सेलेक्टेड अ प्लेस इन इंडिया. एक हैदराबाद आ रहा है, दूसरा आई थिंक पुणे में तो बैंगलोर कहीं आ रहा है. दीज आर द हेज फंड मैनेजर्स. ये इनके बड़े कंपनी. इन सारों का क्यों मैं कह रहा हूं, डू यू नो आउट ऑफ दिस 10-15 इनके हेज फंड्स जो आपस में इंटीग्रेटेड है, एक का इसमें इन्वेस्टेड है, दूसरे का दूसरे में इन्वेस्टेड है, बिल्कुल क्रॉस इन्वेस्टमेंट करके एक जाला बुन रखा है ताकि कोई अलग ना जाए. ये क्राउन ने अपने अपने पैसे को अलग अलग जगह एक दूसरे के इसके अगेंस्ट साथ मिलके जाला बुन के रखा है, क्रॉस इन्वेस्टमेंट, ताकि एक अगर तोड़ना कोशिश करे तो उसको घाटा होगा साथ रहने के. क्योंकि आज का बंदा तो है, अगला खानदान अगली पीढ़ी आ गई और वो टूटना तोड़ना का लगा तो क्या करेंगे. एट लास्ट काउंट दीज हेज फंड्स वर कंट्रोलिंग $550 trillion. पूरे देश की जो संसार की जो GDP है, वर्ल्ड बैंक कहता है 1 trillion है, 100 trillion है, सॉरी $100 trillion इज द GDP ऑफ द टोटल वर्ल्ड. 5 गुना ज्यादा है, इसीलिए तो पूरे गुंडागर्दी से ये रजवाड़े और ये सारे कर रहे हैं और पॉलिसी नहीं है तो हम करेंगे रेजिम चेंज. लेकिन भारत पे आके अटक गए क्योंकि भारत इनके बगैर उठा. ये जो हम राइजिंग भारत देख रहे हैं इनके बगैर उठा, इन्होंने जो कुछ दबाव डाला है उसको तोड़ के उठा. चीन तो उसका मोहताज है, अभी गया भी तो था शी जिनपिंग $800 billion भीख मांगने के लिए, तो किसके एवज में 850 की $875 billion उसके ट्रेजरी बॉन्ड्स है, डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड्स, उसके एवज में 800 बिलियन भीख मांगने गया था, ऊपर से हुक्म आ गया था बाइडेन को देगा नहीं तो वो नहीं दिया.
और अपना मुंह लेके आ गया। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज आ रहा है कि अभी ये क्राउन काउंसिल में किसको और लेंगे, क्या एशिया से किसी और को लेंगे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सबसे ज्यादा तरक्की अभी तो एशिया कर रहा है, एशिया के कुछ देश हैं, उसको लाना चाहेंगे, नहीं लाना चाहेंगे, किसको लाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क। दूसरा है इनका जो कमिटी ऑफ 300 जो कोलमन ने बोला था, यूके तो डिक्लाइन हो रहा और बहुत तेज उसका घाटा हो रहा, तो सिटी ऑफ लंदन का पकड़ कितने देर तक रहेगा। तो क्या सिटी ऑफ लंदन इस कमिटी को कंट्रोल कर पाएगा? उन तो चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहला रजवाड़ा सबसे बड़ा होता था वो तो ब्रिटिश था। हम शशि थरूर ने कुछ साल पहले ऑक्सफोर्ड में जाके बोला था टोटल असेसमेंट वाज 45 ट्रिलियन डॉलर्स, बट 45 ट्रिलियन डॉलर्स तो लगता नहीं है यूके गवर्नमेंट के अंदर गया है, बल्क ऑफ दैट हैज गॉन टू द रॉयल फैमिली। सो रॉयल फैमिली कब तक रहेगा, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे चल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो रॉयल फैमिली को प्रिवी पर्स क्यों दिया जाए, फॉर डूइंग व्हाट? द लॉट ऑफ मनी बीइंग गिवन टू द रॉयल फैमिली उनके खुद के एक्सपेंसेस के लिए अलग, और उनके जो 3-4 कासल्स हैं उसके मेंटेनेंस के लिए अलग। मतलब उनके मेंटेनेंस अभी भी यूके की जनता कर रही है, यूके की जनता के टैक्स से चलता है ना, ये कुछ नहीं खर्च करते, इनको कुछ नहीं काम करना, इनके स्टाफ का भी पेमेंट, इनके स्टाफ का भी पेमेंट वहीं से आता है, इनको जो पैसा मिल रहा है वो तो पॉकेट मनी है, और जो पैलेस मेंटेन करने के लिए इंक्लूड्स द पेमेंट टू द स्टाफ। तो कहीं ना कहीं तो बम फूटेगा। तो क्या भारत को यहां लाना चाहते थे इस कमिटी में जो भारत ने मना कर दिया? और मैं क्यों कह रहा हूं भारत पॉलिसी ऑफ 300 जो पॉलिसी वगैरह बना के डिसाइड करते हैं, क्या वहां पे या जो पॉलिसी बनाता है जो राउंड टेबल एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, जो पॉलिसी वगैरह बनाता है उनका जो लेजिस्लेटिव, उनका लेजिस्लेचर है, रजवाड़ों का जो लेजिस्लेचर है, तो मेजर अभी तो पॉलिसी शिफ्ट है कि पीआरसी इज आउट। आज से 10-15 साल बाद अगर चाइना डेमोक्रेटिक हो गया तो विल चाइना बी इन? अब राउंड टेबल में है जहां पे मैक्सिमम चेंज इज एनविसेज, क्योंकि जो पिछला स्ट्रेटजी था इनका वोक और अपना यूजिंग ऑफ इस्लामिज्म काफी हद तक बैकफायर हो रहा। सो नाउ दे चेंजिंग स्ट्रेटजी गोइंग फॉर कल्चरल, चेंजिंग स्ट्रेटजी की वो खत्म है। That is why you suddenly find that UNHCR and UN के अंदर now fourth table हो गया report against China on human right abuses। इससे पहले कभी आपने सुना है कि human right abuses वगैरह के against आ रहा? Look at the amount of videos and anti-woke narratives which are suddenly coming out। US के भी अंदर, यहाँ पे भी दो प्रेसिडेंट्स ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज हैव बीन फोर्स्ड टू स्टेप डाउन, हालांकि MIT को नहीं छुआ, हार्वर्ड एंड यूपेन, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया प्रेसिडेंट्स को फोर्स्ड टू स्टेप डाउन, फंडिंग खत्म हो गया है बाय द वे हार्वर्ड में। सो बिलियनेयर्स ने पुट द इस सेशन के बाद डालने पड़े हैं हार्वर्ड के कि हम करेंगे क्या करेंगे, फंडिंग बंद हो गया। बिकॉज दिस जो अक्टूबर 7th का इंसिडेंट हुआ और जिस तरह से ये वोक और अदर्स वेंट एंटी सेमेटिक, दैट बिकेम अ वेकअप कॉल कि यार वी आर गोइंग बैक टू हिटलर्स टाइम, एंड द वे द इस्लामिस्ट वर सेलिब्रेटिंग एंड डूइंग थिंग्स, नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यार ये तो गलत हो गए। अब क्या ये ओवरनाइट चेंज कर पाएंगे? इतने दशकों से तो आपने इसको, इनको इस्तेमाल किया है। सो दैट इज द टसल एंड द फ्लक्स यू आर फाइंडिंग
लोग हाथ पैर मार रहे हैं और धीरे धीरे पैसा कम हो रहा है, ये तो दिख रहा है। जो हमारे हार्ड कोर लेफ्टिस्ट एंड वोक और एंटी मोदी जी होते थे, अब तो मोदी 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 कह के गुनगाना शुरू कर दिया उन्होंने। सी माई आई से कि भारत हेजिटेट्स टू सिट ऑन द टेबल, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो हमारी सोच से अलग, भारत की सोच से विपरीत, क्योंकि उनका है कि हम पैसे कमाएंगे, नीचे वाला पिसता है, मरे मरे हमको पैसे चाहिए। और भारत मूव करता है वसुधैव कुटुंबकम, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बना। तो ये जो आम जनता है जो ग्लोबल साउथ में है और जो उनके देशों में भी मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, उनको मदद करने के लिए खड़ा है कि इनको आप एक्सप्लॉइट नहीं करें, इनको भी बेनिफिट मिले। बट वो डायनेस्टीज जो हैं वो तो एक एज अंग्रेजी में कहते हैं कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। भारत चाहिए, भारत अगर भारत के साथ इस पे जाएंगे उनके पैसों का क्या, सारा फोकस पैसों पे ही है। उनका फोकस तो पैसों पे ही है भाई, कॉलोनाइज जो सब किया था सब पैसों पे ही था। और जिस तरह से अपने वो जो कॉलोनीज के अंदर लोगों को ट्रीट करते थे वो तो अब कर नहीं सकते ना, तो वो इस तरह से खाना खा रहे ना, पहले तो ऐसे कर रहे थे अब इस तरह से कर रहे। ये कमिटी बनाया, ये बनाया और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ग्लोबल साउथ को। चाइना भी वही कोशिश कर रहा था एक्सप्लॉइट करने के लिए, अब वो बैड बुक्स में हो गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस्लामिस्ट भी रो रहे हैं इसलिए क्योंकि वो अब बैड बुक्स में हो गए। आजकल तो इलहाम उमर का तो कोई मेरे को स्टेटमेंट तक नहीं आया यार, इतना कुछ हो गया इजराइल में और लड़ाई भी हो गई है गाजा में, उसने अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं दिया। नहीं सर, एक स्टेटमेंट आया था पर वो थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में था। शी सेड इवन द स्टेटमेंट दे रही और मीडिया कवर नहीं कर रहा, एक आधा कवर कर रहा। सो इट इज नॉट एन इजी सिचुएशन दैट वी आर इन एट द मोमेंट। हाँ ये है कि तड़प है उनको पैसे बनाने हैं। अब ये 550 ट्रिलियन में से कितने ट्रिलियन उनके काफी उनके रहेंगे, एटलीस्ट 80%, दैट इटसेल्फ इज हेल ऑफ अ लॉट। 400 और ट्रिलियन अगर उनके हैं मतलब वो तो पूरे जीडीपी दुनिया के जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन वो खुद अपने लिए खा के रखने के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। फ्रांस इसमें ऑड मैन आउट, क्योंकि उनका वहां रेबेलियन भी हो गया था, रेवोल्यूशन भी हो गया था, उनके लुई 17 और मेरी एंटोनिएट को गिलेटिन भी कर दिया था। बाद में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चार्ल्स डी गॉल आ गए थे, यू वेरी एंटी द यूएस। बहुत देर बाद नेटो बनने के तकरीबन 20 साल बाद वो नेटो ज्वाइन किया, अभी भी अपना इंडिपेंडेंट स्टांस लेता है। रॉयल फैमिली कितनी बची है क्या है उनका पता नहीं है, बट बाकी जगह रॉयल फैमिली सब रहे। इटली में उतना नहीं है क्योंकि लेट 19th सेंचुरी में वो इकट्ठे हो गए थे, उनका एक गैरिबाल्डी एंड द रेड शर्ट्स करके बड़ा फेमस उनका लेख है जिसमें हाउ ही गैदर्ड टुगेदर एंड देवर एक्चुअली सोशलिस्ट, that's why it's Garibaldi and his red shirts, red is a symbol of socialism communism। unhone sare unke jitne bhi principalities hain kabza kiya, but Italy ka dhyan to Vatican dekhta hai, Vatican ke paise logo ko pata nahi hoga। 17th sadi tak pope had his own kingdom, he had his own armies, he used to fight, he would decide कौन सा king बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये जो हम treaty of Westphalia बोलते हैं ना, nation state, nation state, nation state तो तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि nation state क्या होता, उसको अब हमने coin कर दिया कि हाँ हाँ nation state। दो तीन चीजें की थी वहां, boundaries firm in कर दिए,
from frontiers you became borders in Europe. Then next tha the whole war was fought to stop the interference and curb the power of the Pope. The main treaty of Westphalia is that the Pope shall not decide who will be the king, who will be the next ruler. That is the main essence of the Westphalian treaty. Tab tak Pope ka dabdaba tha. Pata nahi kitna paisa hai Pope ke paas. He must be having the largest amount of war chest, jo bolte hai, largest amount of money available amongst all the Rajwadas of Europe. जिसके पास पैसा नहीं होना चाहिए था, because they are in the God's service. They are supposed to be in God's service. They are supposed to be. इनका तो, I think एक ये Count of Monte Cristo जो कहानी लिखी गई है, जिसमें वो बंदे को buried treasure मिलता है, that's the buried treasure of a pope who had been murdered. Who had buried the treasure in the Monte Cristo Island. Uske buried treasure kahan usne bari kiya? S se naam tha, I'm forgetting that name of the Pope. And where he buried it and all is still not known, but this story uske around gada hua. That is that he got it, but he couldn't put it against the Pope, so he dusre tarah ka story laga. Ki wahan se mila ho. So, we have to stay strong. We are strong. क्योंकि हम उनके पैसों पे dependent नहीं. और that is why I say China is sinking, gradually sinking, क्योंकि वो उनके पैसों पे dependent था. और वो पैसे बंद हो गए. सारा FDI China का पिछले साल negative में है. FDI means कोई पैसा नहीं गया, पैसे निकल गए. Stock exchanges are in collapse. 3 stock exchange hai, Shanghai, Hong Kong aur ek aur jagah hai, I'm forgetting. 3 jagah hai, it's collapsing. They have lost trillions of dollars in that collapse. Aur ruk nahi raha, upar nahi uth raha. Aaj ke tarikh mein sare sansar ke stock exchanges now are gradually rising up to going to COVID level or above. India ka upar utha hua hai, COVID level se bhi upar utha hua hai. China is the only country in the world jiska stock exchange niche ja. Beech mein thoda utha tha, ab bilkul niche chala gaya hai. Hang Seng to COVID ke aur Shanghai to COVID level se bhi negative chale. Hang Seng niche ho gaya jab wo I think top 10 se bhi abhi nikal gaya hoga. इंडिया उसके जगह ऊपर आ गया. इंडिया इज नंबर 4 स्टॉक एक्सचेंज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सो गोइंग फॉरवर्ड मोदी जी ने कमिटी ऑफ 300 पे मना कर दिया. आई एज्यूम इट इज, ये तो मैं बोल रहा हूं, इज बीइंग इनवाइटेड. मेरा अंदाजा है. अच्छा, भारत मेरा अंदाजा है कि भारत ने मना कर दिया होगा, क्योंकि भारत को उनका पॉलिसी पसंद नहीं है ना. उनका पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, और हमने तो सब तरफ बोला है वसुधैव कुटुंबकम. हम यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल. सागर का मतलब वही है, उन्होंने कहा था ना जब 2018 शंघाई अपने शांग्रीला डायलॉग में सागर का इस्तेमाल किया था. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो तो सबके लिए. नाउ यू आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ऑल्सो, एंड यू आर पुशिंग ऑल द थिंग्स ऑन ग्लोबल साउथ. तो ये अगर ग्लोबल साउथ के साथ खड़े हैं तो आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते जब तक वो अपना पॉलिसी चेंज नहीं करते कि हम सबको हेल्प करें. क्योंकि ओल्ड डीप स्टेट बीइंग द अदर प्लेसेस, न्यू डीप स्टेट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ द राइजिंग इकोनॉमी. इंडिया, जैसा कि हम लोग एनालाइज करें कि इंडिया रिफ्यूज टू सिट ऑन कमिटी 300, तो अब यहां वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है कि क्राउन काउंसिल इंडिया को कैसे देखेगा? अपार्ट फ्रॉम द पुराना राउंड टेबल, नॉट द डीप स्टेट, द पुराना राउंड टेबल पुटिंग प्रेशर ऑन यू, आई एम श्योर द डीप स्टेट विल आल्सो बी पुटिंग प्रेशर ऑन यू कि बदलो. तो हमारे पास क्राउन काउंसिल है,
क्राउन पीपल है, डीप स्टेट है और अब न्यू डीप स्टेट है। नहीं नहीं, ये पूरा है जिसको डीप स्टेट बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको डीप स्टेट बोलते हैं। सबसे टॉप में क्राउन काउंसिल, या दिस इज सेपरेट फ्रॉम द द गवर्नमेंट्स व्हिच कंट्रोल द कंट्रीज, दिस इज सेपरेट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डीप स्टेट, क्योंकि पीछे बैठ के चुपचाप से कीप्स वांटिंग टू डू वेरियस, राइट। तो उसमें सबसे ऊपर है क्राउन काउंसिल, तो वो रजवाड़े हैं, उसके नीचे उनका लेजिस्लेचर है जो कमिटी ऑफ 300 टाइप बोला था, उसके नीचे उनका एग्जेक्टिव है जो राउंड टेबल है, और उसके नीचे उनके पैदल सोल्जर्स हैं जो काम करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये कंट्रोल, वो कंट्रोल, वो सारे, और यूएन भी इनके नक्शे कदम पे काम कर रहा था। इसीलिए आप देखो चीन का कितना दबदबा हो गया था, हुआ था यूएन में, मैं था इस्तेमाल कर रहा हूँ सोच समझ के, क्योंकि वो चीन उनके साथ था, अब चीन उनके साथ नहीं है। कंट्रोल करने के बावजूद, क्योंकि एट वन रिपोर्ट विच आई वाज रीडिंग, इट सेड चाइनीज फंडिंग इन द यूएन कंट्रोल्स 40 ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। यूएनएचसीआर में भी इतना सारा पैसा दे रखा है ताकि मुंह बंद रखे, उसके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ना बोले इन सिंचांग एंड टिबेट। आज ये है कि आज ही पढ़ रहा था मैं jamestown.org में कि दो चार दिन पहले चौथा रिपोर्ट अगेन कंडेमिंग चाइना। तो दीज चेंजेस हैव नॉट कम ओवरनाइट, इट हैज कम बिकॉज नाउ द क्राउन काउंसिल वांट्स टू बी विद यू ऑन द सेम पेज विद भारत। हमारे से बिल्कुल, अब उनको लग रहा है कि अब दुनिया का पैसा यहीं पे है, यहीं से बनेगा, तो मेरा पैसा यहीं से बनेगा, बट प्रॉब्लम ये है वो फेस कर रहे हैं कि भारत उनके पैसों के बगैर बड़ा होगा, बाकी देश तो उनके पैसे से बड़े हुए, तो आपका होल्ड है ही नहीं हमारे पास, हमारे ऊपर कोई होल्ड नहीं है। चीन के ऊपर देखो कितना होल्ड है, कचरा हो गया चीन का आज तो, पैसे है ही नहीं, कोई सुन नहीं रहा, यूएन जिसको इतने पैसे दिए थे अब उसको थप्पड़ मार रहा है। So, तभी आपने लास्ट जो हमने क्राउन काउंसिल वाला टॉपिक उठाया था उसमें आपने कहा था कि सडन इन एंड सडन आउट इस सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए हमें एक अपनी एजेंसीज को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने कहा था कि वो पैसे बनाने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इन दिस बजट दैट्स व्हाट आई वाज वॉचिंग पूरा लाइव मैंने देखा है प्रेजेंटेशन। अब की बार तो सबसे छोटा स्पीच था, हालांकि इंटरिम बजट था। She made a very good statement. FDI is first develop India. और वही हमारा तात्पर्य था कि पहले आत्मनिर्भरता के लिए करो, जो आपने स्टॉक एक्सचेंज में खेलना है वो थोड़ा बहुत खेलते रहो, बाकी पैसे यहाँ आएंगे। That is what is FDI, first develop India. वो तो बोल दिया। Make in India में invest करो, यहाँ की यहाँ पर अपना investment structure लगाओ, physical infrastructure है, सब तरफ है, आप आत्मनिर्भर भारत और सक्षम भारत के। पर इससे एक चीज और हुई ना चाइना के साथ में, जो शायद आई थिंक आल्सो बैकफायर्ड, यहाँ पर जितना भी एफडीआई आ रहा है या जितनी भी हम कंपनीज को लेकर आ रहे हैं, दे आर सपोज टू हायर इंडियंस, दे आर नॉट सपोज टू ब्रिंग देयर ओन लेबर्स, वो चाहे अफ्रीका से उठाकर ले आए या फिर चाइना जैसे क्या करता है अफ्रीका में आता है, दे ब्रिंग देयर ओन लेबर, जो लोकल्स को बहुत एंटी लगता है, दे हैव अ हेट्रेड, क्यों भाई आप आ रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, चाहे लोन के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, यू नो वो जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उसके थ्रू, एंड यू आर गेटिंग योर ओन लेबर आल्सो, तो हम क्या यहाँ पे पागल बैठे हुए क्या, मतलब यहाँ पे आके आपको करने दें। सो दैट थिंग इज स्लोली एंड स्टेडली अफ्रीका में भी यू फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पुश टू गेट इंडियन कंपनीज इन, पीपल डोंट नो, क्योंकि हमारी मीडिया उछालती नहीं है, क्योंकि ये भी काफी कंट्रोल्ड है। घाना का मिनिस्टर था, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हाँ चाइना बहुत पैसे लेके आता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ही सेज इफ चाइना एस्टैब्लिशेस अ कंपनी और उसमें 100 बंदे हैं, हमारे मुश्किल से 5 बंदे लोअर लेवल पे,
दैट्स इट। बाकी सारा उसका चीन से आता है, उसका मशीन चीन से आता है, उसका लेबर चीन से आता है, उसका रॉ मटेरियल चीन से आता है, विजवी भारत। उसने अगर एक कंपनी खड़ा किया 100, वो पहले ही बोल देता है इट इज फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, 10-15 साल हैंड होल्डिंग करेंगे, 5 साल के लिए आप मेरे सब्सिडरी हो, लेकिन आगे चलाना आपने 5 साल के लिए हो, केवल 5 या 7 बंदे इंडिया से होंगे, बाकी सारे बंदों को ट्रेन करके पूरा कंपनी चलाने के लिए ये 5-7 आदमी ओवरसी करते हैं हर लेवल पे कि ठीक कर लेते हैं कि नहीं। आप या जितना उसमें रॉ मटेरियल चाहिए जो मेरे देश में अवेलेबल है वो ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो नहीं है वो बाहर से सोर्स हो, ठीक है। और कहते 10 साल बाद ठीक है, आई एम ए सब्सिडरी ऑफ दैट मेन कंपनी, बट मेरा मैनेजर है, मेरा MD है, मेरा CEO है, सब मेरे हैं। विजवी चाइना आप देख लो डिफरेंसेस देयर, तो लोकल्स आर वेरी हैप्पी। उसने एग्जांपल दिया जो कीनिया का वो जो पोर्ट से नैरोबी के लिए उन्होंने ट्रेन बनाया, एक फास्ट ट्रेन बनाया है, उसमें ड्राइवर तो छोड़ो, सारा क्रू स्टाफिंग अंदर सारे चीनी है। उनका पेंट्री कार भी चीनी चलाता है। पुलिस स्टेशन में भर्ती भी चीनी हो रहे हैं आजकल अफ्रीका में, जस्ट लाइक इन इटली एंड कनाडा। नहीं, इटली में तो अब बंद हो जाएगा, वो आ गई ना मेलोनी, वो तो अच्छा। थप्पड़ मार के निकाल रही है सब जी। कनाडा में भी अभी वो पोलियर जीत जाएगा, उसके बाद ये सारे आउट हो जाएंगे। सर ये जो कमिटी ऑफ 300 है या क्राउन काउंसिल है, इससे भारत को खतरा है करंट टाइम्स में? सी, भारत को तो खतरा तो रहेगा क्योंकि उनका पास होल्ड नहीं है हमारे और ऑपोजिशन पार्टी पे उनको भरोसा नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये सारे चीन के बिके हुए। एक ने तो साइन भी कर चुके हैं पार्टी टू पार्टी 2008 में, दौलता बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट, राहुल गांधी दौलत बेग ओल्डी, ये वो मतलब उन्होंने तो एग्रीमेंट साइन किया, बताया भी नहीं है क्या एग्रीमेंट साइन किया पार्टी। उसको जिस देश को आप समझते हो कि हमारा सबसे पहला खतरा देश, उसके पार्टी के साथ जो पावर, तो इनको इनकी इन लोगों के साथ भी भरोसा नहीं है क्योंकि ये तो सोशलिज्म सोशलिज्म वाले हैं। नंबर दो, भरोसा तो तब आएगा जब इनके पास कोई विजन या कोई स्ट्रेटजी हो कि भारत की उन्नति के लिए ये किस तरह से उन्नति कराना चाहते हैं। ठीक, मोदी जी ने और NDA ने एक विजन दिया है जिसके ऊपर वो चले, आप उससे सहमत नहीं, फाइन, इट्स अ फ्री कंट्री। आप सहमत नहीं हो तो अपना तो बताओ कि क्या करना चाहते हो। आप पूरे घुसे हो ये इंडिया अलायंस में, केवल एक स्ट्रैटेजी है कि मोदी जी को हराना है, ये कोई स्ट्रैटेजी हुई भारत के अच्छाई के लिए? ये कौन सा स्ट्रैटेजी है? इट इज लाइक मैं क्रिकेट मैच खेल रहा हूं, विकेट लेने के लिए मैं नहीं आ रहा कि चौवा छक्का नहीं लगना चाहिए, तो मैं तो एक एक दो दो तीन तीन फिजिकली फिट हूं, एक एक दो दो तीन तीन रन करके मैं तो बनाता चला जाऊंगा। आपने सब बाउंड्री में तैनात कर रखे हैं, छक्का चौवा नहीं पड़ना चाहिए, ये किस तरह का मैच हुआ? यानी ये मेरे को समझ नहीं आया कि क्या बना है। या तो जैसे UPA तो पोस्ट इलेक्शन ज्वाइन किए थे, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई विजन, कोई स्ट्रेटजी। यहां पे एक बंदा है जिसने अपना विजन दे दिया है और बता दिया है कि ये स्ट्रैटेजी है मेरा, इस तरीके से मैं भारत को उस मुकाम पे पहुंचा। जो विजन दिया है भारत के लिए दिया है कि भारत का मुकाम ये, टारगेट ये है भारत को यहां पहुंचाना है, और ये पाथ है, ये रास्ता है तय किया है जिसके थ्रू मैं लेके जाऊं।
आपको वो पसंद नहीं है तो क्या वो मुकाम पसंद नहीं है, क्या वो रास्ता पसंद नहीं है? अगर मुकाम पसंद नहीं है तो लोग तो वैसे ही गुस्सा हो जाएंगे कि आप हमको डेवलप नहीं करना चाहते। अगर आपको रास्ता पसंद नहीं है तो आप बताइए ना किस रास्ते से लेके जाना चाहते, रास्ता तो बता नहीं रहे हो, मतलब कि पैसा खाना चाहते हो। तो अब अगर क्राउन काउंसिल है तो उनको तो ये डर होगा ना, भारत तो बड़ा है बगैर इनके पैसों के, अब ये लोग आ रहे हैं, इन्होंने कोई दृष्टि नहीं दी कि हमने क्या करना। अब एक है कि मैं भारत के साथ बैठ के हम कोई कॉम्प्रोमाइज पे आ जाए, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट किसी तरह से करें, कुछ करें, या हम कॉम्प्रोमाइज कर लें और बोलें कि ठीक है हमारा 100 रुपए मिलते थे, चलो कुछ नहीं 40 रुपए तो मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या वो डिसाइड करते हैं रजवाड़े? और मेरा तो आगे का सोच यही है, क्या ये रजवाड़ों को कंट्रोल इस तरह से करना चाहिए? आप अपनी जिंदगी जियो। बच्चा ये हमेशा ही होता है, ये भी अगर मैं एशियन टाइम्स में भी जाऊं तो ऐसे ही होता रहा है, रजवाड़े हमेशा कंट्रोल करते रहे हैं। ये पॉलिसी चलती रही है, तो दे के नॉट लेट गो ऑफ दैट माइंडसेट। वो क्या है, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस वो माइंडसेट वही रह गया। करेक्ट, बट भारत में वो चेंज हो गया ना, रजवाड़े सब चले गए जब आपको इंडिपेंडेंस मिला, और जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स वगैरह सब हटा दिया तो आपके सारे प्रिविलेजेस चले गए, आपको आम आदमी की तरह काम करना। तो उन्होंने नेक्स्ट बेस्ट ले लिया, अपना म्यूजियम बना लिया, होटल्स बना लिए, बाकी जो छोटे हैं तो अपना काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनको काम करना है, पैसे तो आएंगे नहीं आपको। सेम चीज वहां पे करना चाहिए, रजवाड़ों को बोलो थैंक यू कोई प्रिवी पर्स नहीं, अपने पैसे खर्च करो, अपना करो, और जो पैलेस वैलेस है सब वैकेट करो, ये तो हमारे पैसों से। मैं ये बोलूंगी कि साइंटिस्ट हो या फिर सम ग्रेट पर्सनालिटीज जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको संभालना, मतलब उस जनरेशन को, सपोज जिस बंदे ने काम किया उसको संभालना तो समझ में आता है, आप एक पैसे दे रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी देख रेख कर रहे हैं, पर इन लोगों ने कौन सा बड़ा झंडा गाड़ दिया दुनिया में जो इनका अभी तक ध्यान रखा जाए? व्हाट हैव दे डन फॉर ह्यूमैनिटी? ऑल प्रिविलेजेस विद नो अकाउंटेबिलिटी। नो अकाउंटेबिलिटी, जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। थैंक यू सर।